फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड नी जॉइंट एक्सरे, मतलब घुटने के एक्सरे को कैसे देखते हैं। तो आइए जानते हैं नी जॉइंट एक्सरे के बारे में। हाउ टू रीड नी जॉइंट एक्सरे। फ्रेंड्स, यहां पर हमारे सामने एक नी जॉइंट का एक्सरे है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम घुटने का एक्सरे देखते हैं और इसमें कुछ प्रॉब्लम ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, नी जॉइंट का एक्सरे देखने से पहले आपको नी जॉइंट की एनाटॉमी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना एनाटॉमी के जाने हम एक्सरे नहीं समझ सकते। सबसे पहले अपन नी जॉइंट की एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि नी जॉइंट के ऊपर एक लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत बोन होती है, जिसे हम फीमर कहते हैं। इसे जांग की हड्डी भी कहा जाता है। और नी जॉइंट के नीचे या घुटने के नीचे दो बोन होती है, जिसे हम टीबिया और फिबुला कहते हैं। यह टीबिया बोन होती है और यह फिबुला बोन होती है। जो टीबिया बोन होती है वह बड़ी बोन होती है और फिबुला छोटी बोन होती है। नी जॉइंट के बीच में एक गोलाकार स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम पटेला कहते हैं। ये पटेला ही हमारे नी जॉइंट के मूवमेंट में हेल्प करता है। और यहाँ पर मीडियल कोंडाइल होते हैं और इस जगह लेटरल कोंडाइल होते हैं। फ्रेंड्स, जब भी अपन घुटने का या नी जॉइंट का एक्सरे करवाते हैं तो उसके दो व्यू लेते हैं। फर्स्ट है एपी व्यू और सेकंड है लेटरल व्यू। एपी का मतलब होता है एंटेरियर टू पोस्टेरियर व्यू। फ्रेंड्स, जब भी अपन नी जॉइंट का एपी व्यू लेते हैं तो यह जो फिबुला बोन होती है वह बाहर की तरफ होती है और जो टीबिया बोन होती है वह अंदर की ओर होती है और पटेला बोन सामने की ओर होती है। और फ्रेंड्स, जब हम नी जॉइंट का लेटरल व्यू लेते हैं तो पटेला बोन हमें इस प्रकार दिखाई देती है और टीबिया बोन बाहर की ओर होती है। फ्रेंड्स, अब हम नी जॉइंट का एक नॉर्मल एक्सरे देखते हैं। फ्रेंड्स, यह जो एक्सरे है यह एपी मतलब एंटीरियर टू पोस्टेरियर व्यू का है। इस एक्सरे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस एक्सरे में दोनों नी जॉइंट का एक्सरे लिया हुआ है। यह राइट नी जॉइंट है और यह लेफ्ट नी जॉइंट है। इस एक्सरे में यह फीमर बोन होती है। यह बोन सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है। नीचे की तरफ यह टीबिया बोन होती है और यह फिबुला बोन होती है। इन तीनों बोन्स के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जो बिल्कुल नॉर्मल होता है। और फ्रेंड्स, एपी व्यू में पटेला दिखाई नहीं देता है, यह फीमर बोन से ओवरलैप हो जाता है। यह नी जॉइंट का लेटरल व्यू है, मतलब यह व्यू साइड से लिया जाता है। इस एक्सरे में यह फीमर बोन होती है, यह टीबिया बोन होती है और यह फिबुला बोन होती है और यहाँ पर हमें पटेला दिखाई देता है। अब फ्रेंड्स, जो नी जॉइंट के बीच में स्पेस होता है उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नी जॉइंट के बीच में कार्टिलेज पाए जाते हैं, जिसे हाईलाइन कार्टिलेज कहा जाता है। इसमें फ्लूड भरा होता है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूड कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस साइनोवियल फ्लूड का क्या काम होता है। यह फ्लूड हमारे जॉइंट्स को आपस में टकराने से या रगड़ने से बचाता है। किसी किसी पेशेंट में यह फ्लूड या कार्टिलेज कम या खत्म हो जाते हैं, जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और जॉइंट आपस में टकराते हैं, जिससे पेशेंट को नी जॉइंट दर्द होता है। आइए इस प्रॉब्लम को अपन एक एक्सरे की हेल्प से समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नी जॉइंट के दो एक्सरे देख रहे हैं। यह जो फर्स्ट वाला एक्सरे है यह बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकंड वाले एक्सरे में कभी कभी इस प्रकार की पिक्चर हमें देखने को मिलती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नी जॉइंट में जो स्पेस होता है वह बिल्कुल खत्म हो चुका है और इस प्रॉब्लम को अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस। फ्रेंड्स, यह स्पेस एकदम से खत्म नहीं होता है, यह एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे खत्म होता है। फ्रेंड्स, इस स्पेस की कुछ ग्रेड भी बनी हुई है, आइए समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नी जॉइंट की 4 ग्रेड बनी हुई है।
यहाँ पर ग्रेट फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि दोनों बोन्स के बीच का स्पेस कम होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ऑस्टियो अर्थराइटिस की स्टार्टिंग हो चुकी है। ग्रेड सेकेंड में स्पेस हल्का सा थोड़ा ज़्यादा कम हो गया है। ग्रेड थ्री में दोनों बोन्स बिल्कुल पास आ चुकी है, मतलब स्पेस और ज़्यादा कम हो गया है। और ग्रेड फोर में स्पेस बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, मतलब इसे ऑस्टियो अर्थराइटिस हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस पिक्चर की हेल्प से नी जॉइंट के स्पेस को आप इजीली समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस पेशेंट के ऑस्टियो अर्थराइटिस होगा उस पेशेंट के ऑस्टियोफाइट्स भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ऑस्टियोफाइट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब दोनों बोन्स टकराती है तो साइनोवियल फ्लूइड में प्रेशर जनरेट होता है, जिससे यहाँ पर हल्के हल्के पॉइंट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार नी जॉइंट के एक्सरे को अपन पढ़ सकते हैं और फिर उसकी रिपोर्ट भी अपन समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर नी जॉइंट का स्पेस बिल्कुल ही खत्म हो चुका है तो डॉक्टर्स नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है।